और केंद्र सरकार ने सबका साथ और सबका विकास की तर्ज पर काम करते हुए समाज में रह रहे दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण के साथ साथ महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें हुनरमंद बनाकर आत्मनिर्भर बनाने जैसे कई सारे काम किए हैं। सरकार की योजनाओं का सीधा फायदा आज देश के सुदूर ग्रामीण अंचलों में रह रहे आम नागरिकों को मिल रहा है। केंद्र सरकार के 3 साल महिलाओं के विकास के संदर्भ में कैसे रहे, इस बारे में हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की समाज सेविका और महिला हितों की सक्रिय पैरोकार और राजस्थान की लोकप्रिय और जनप्रिय नेत्री वीणा पाणी चौधरी से। सबका साथ और सबका विकास की तर्ज पर काम करते हुए केंद्र सरकार ने 3 साल पूरे कर लिए हैं। इन 3 साल में देश के गांव, गरीब और किसानों के साथ साथ महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए गए। इन योजनाओं का फायदा किस तरह जमीनी स्तर पर देखा गया, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है समाज सेविका और एक्टिविस्ट वीणा पाणी चौधरी। मैडम, 3 साल बेमिसाल, सरकार का नारा कितना महत्वपूर्ण देखते हैं, 3 साल में महिलाओं के लिए किस तरह का बदलाव आया? महिलाओं के लिए से पहले मैं पूरा हमारे क्षेत्र में जो विकास हुआ है जिसमें महिलाओं के साथ साथ सभी लोगों को फायदा होगा वो थोड़ा बताना चाहूँगी। एक बिलाड़ा में हमारे संसदीय क्षेत्र में जो आता है उसमें ट्रॉमा सेंटर बना है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उसके अलावा पाली में मेडिकल कॉलेज खुला है। उसके अलावा एक बहुत अच्छी जो बात हुई है वो 2 केंद्रीय विद्यालय हमारे संसदीय क्षेत्र में आए हैं, एक पाली में और एक तिवरी में। तो ये बड़े बड़े मोटे कई काम हैं जो हमारे क्षेत्र में हुए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र खुला है सोजत में। हमने CSR से भी टॉयलेट्स बनवाए हैं लड़कियों के लिए और उनमें एक और प्रोविज़न हमने रखने की कोशिश की है कि जो ये सैनिटरी नैपकिन्स की वेंडिंग मशीन लगाने का CSR से ही, कोई सरकारी उससे नहीं, CSR से लेके इसकी वेंडिंग मशीन लगाने का हमने काम शुरू किया है। और एक हमारा सोलर लाइट हम जगह जगह लगवा रहे हैं। आपके क्षेत्र में बीमा सुरक्षा योजना लागू की गई, तकरीबन 1 लाख से भी अधिक महिलाओं का और बीमा करवाया गया, इसका किस तरह का रेस्पॉन्स मिला और आज किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? बीमा करवाया जब हमने तो हमें लगा था कि भाई 1 साल का बीमा हमने कराया है, उस समय तो 1 साल का कराया था, उसको लोगों ने बहुत आगे अपने खुद के उससे पैसा दे के बहुत बढ़ाया। पहली बार की किस्त हमने 1 साल की दी थी, उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे, करीब 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने, हमने उनको सुझाव दिया कि आप एक मुश्त रकम थोड़ी जमा करा दीजिए, उसके ब्याज से ही आपका किस्त बीमे की आ जाएगी, तो वो बहुत लोगों ने किया है। जो उज्ज्वला योजना है, महिलाओं को धुआं रहित करना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, एक बहुत बड़ी सौगात प्रधानमंत्री ने दी, इसको आप किस तरह देखते हैं एज ए महिला? अगर घर होगा तो बच्चे, पुरुष, सभी के लिए, मतलब स्वास्थ्य के जो बाद में असर पड़ता है वो सारे चीज़ें खत्म हो जाती हैं। प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नारा दिया, उस अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर कैंपेन के रूप में भी लिया, एज ए महिला आप किस तरह देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? उनको पढ़ाने से फ़ायदा ये है कि आपके जो अगली जनरेशन है, बच्चे हैं, वो शुरू से ही अच्छे संस्कारवान होते हैं और उनमें अच्छे संस्कार डालने के लिए किसी स्कूल या किसी उसमें जाने से पहले माता ही सबसे पहला प्रथम शिक्षक होती है। महिलाओं को कौशल युक्त प्रशिक्षण देकर उन्हें उद्यमशील बनाने की सरकार प्रयास कर रही है, किस तरह का बदलाव भविष्य में आत्मनिर्भर होकर महिलाओं के सामने आएगा? आर्थिक क्षमता जब औरत के हाथ में आती है तो उसकी बहुत सारी मन की जो बातें हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती है, अच्छे उनको कपड़े पहनाना चाहती है, जो कि पूरे परिवार के आर्थिक उसमें नहीं आ पाता है, उसके खुद के हाथ में जब पैसा होता है तो उसको और अच्छे से वो अपने परिवार की सेवा कर पाती है। तमाम तरह की सुविधाएं हैं, एक ही सेंटर पर उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता में रहा, तो CSC सेंटर से कितना फ़ायदा महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को दिखा जा सकता है जो दूर दराज से रहती है, आने में दिक्कत होती है, मुख्यालय पर पहुँचना बहुत मुश्किल होता है? CSC सेंटर्स में एक तो अभी तो जो सुविधाएं दी गई हैं जैसे सारे प्रमाण पत्र बनवाना, ये सब करवाना, लेकिन उससे बड़ा ज़्यादा जो फ़ायदा होगा जो बैंकिंग से जुड़ी हुई सुविधाएं मिल रही हैं महिलाओं को, अपना खुद का खाता खोलना, खुद के पैसे जमा कराना, खुद की जो भी आय होती है उसका ब्यौरा रखना। सरकार ने स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी पहल की, गर्भवती महिलाओं को बच्चा होने पर 6,000 रुपये देना, उनके घर के आसपास नर्सिंग सेंटर और स्वास्थ्य का जो हेल्थ सेंटर है वो खोलना, उससे कितना फ़ायदा जो निचले तबके की महिलाएं उनको देखा जाएगा? जो सुविधा अपन निचले तबके के लोगों को देते हैं उससे उनको ये विश्वास पैदा होता है कि सरकार हमारी ओर भी देख रही है, हमारा विकास करने की भी सोच रही है। तो ये थे समाज सेविकाएँ और एक्टिविस्ट वीणा पाणी चौधरी, जिनका मानना कि सरकार के 3 साल बेमिसाल रहे हैं। इस दौरान सरकार ने समाज में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को न केवल वित्तीय सहायता देने का काम किया है बल्कि कौशल युक्त प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का भी अनूठा कार्य किया है।
कैमरामैन संदीप के साथ ओपी यादव, DD न्यूज़ दिल्ली।